पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लघु उद्योग भारती मुरादाबाद इकाई और द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की संयुक्त एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों संस्थाओं की सहमति से निर्णय हुआ कि हेमंत जुनेजा और अब्दुल अजीम दोनों ही ईपीसीएच के सीयूए के चुनाव में अपना नामांकन कराएंगे। आयोजित बैठक में सभी ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। साथ ही कहा गया कि इनकम टैक्स की धारा 43B में एमएसएमई के सभी पंजीकृत इकाई 15 से 45 दिन के भुगतान का जो सरकार द्वारा निर्णय लिया गया, इस संदर्भ में लघु उद्योग भारती मुरादाबाद इकाई ने सेंट्रल ऑफिस को अवगत कराया और सेंट्रल ऑफिस ने तुरंत ही इनकम टैक्स की धारा 43B के संदर्भ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी अपना ज्ञापन प्रेषित किया। इस दौरान सभी निर्यातकों ने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि निर्यातकों की सभी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा और सरकार के समक्ष अपनी बात रखी जाएगी। आज लघु उद्योग भारती की बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ये डिसाइड करा गया कि लघु उद्योग भारती की तरफ से हम हेमंत जुनेजा जी, जो हमारे सिटिंग सीईओए मेंबर हैं, उनको लघु उद्योग भारती की तरफ से लड़ाया जाए। साथ में THEA द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से मिल करके अजीम भाई को हम दोनों कैंडिडेट बना करके उतार रहे हैं आगामी COA इलेक्शन में। जीतने के लिए उतरेंगे, मेंबर्स तक जाएंगे, अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। हम लोगों ने इंडस्ट्री के लिए काम किया है, करते रहेंगे और उसी काम के लिए हम जनता के बीच में, अपने मेंबरों के बीच में जाएंगे और वोट की अपील करेंगे। और आगामी चुनाव के लिए हम ये चाहेंगे कि हम अपील करेंगे LUB और THEA की तरफ से कि हमारे दोनों कैंडिडेटों को भारी मतों से जिता करके अपने CEO जिता करके EPCH में CEO बना करके भेजें, जिससे कि जो उनकी आवाज़ें हैं वो वहाँ तक पहुँचाई जा सके। जो काम अधूरे रह गए हैं, जो काम अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, उनको पूरा कराया जाए और जो काम हो गए हैं उनको और आगे ले जा करके और ज़्यादा सफलता से उसको आगे लेके जाया जाए। देखिए, अभी हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी, हमारे एग्जीक्यूटिव मीटिंग, जिसमें मेरे को दोबारा से नॉमिनेट किया है सबने मिलके। और लघु उद्योग भारती की बोर्ड मीटिंग थी और लघु उद्योग भारती एक नेशनल स्तर की संस्था है और इसमें हमारे 28 मिनिस्ट्रीज में हमारा रिप्रेजेंटेशन है और हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग सब मिलके, जितने भी इकाइयां हैं हमारी लघु उद्योग भारती की, सब मिलके PPCH का इलेक्शन लड़ेंगे और हमारे को सपोर्ट दी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन से है, हम उनको सपोर्ट भी करेंगे और मिलके इस चुनाव को हम जीतेंगे। तो हमारे सतपाल जी हैं, इन्होंने मेरा नाम नॉमिनेट किया है एसोसिएशन की तरफ से, द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन, और लघु उद्योग की तरफ से हमारे जुनेजा साहब हैं। हम दोनों मिल एक जॉइंट एफर्ट के साथ इस इलेक्शन को फाइट करेंगे और ऊपर वाले ने चाहा तो लोगों की मदद करेंगे, काम आएंगे। बहुत मुद्दे हैं, बहुत परेशानियां हैं, बहुत कमियां हैं और उस ट्रेंड को, उस ट्रेड को आगे बढ़ाना है। सर, फाइट जो है वो खाली वादों की नहीं है, खाली फ़ोटो खिंचवाने की नहीं है, फाइट जो होनी है वो परफॉर्मेंस की होनी है। ट्रेड बहुत परेशान है, ट्रेड बीमार है और ज़ख्मी पड़ा है इस वक्त। बहुत मुद्दे हैं और जब आएंगे मैदान में ट्रेड के लिए पूरा लगन से काम करेंगे। हमारा अब जो भी काम है वो जॉइंटली होगा। ट्रेड को इस वक्त सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि जो 43BH फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लगाया है हम पर, वो बहुत ख़तरनाक है। अगर वो लागू रहा तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टर आउट ऑफ बिज़नेस हो जाएंगे, क्योंकि फाइनेंस रहेगा ही नहीं। और अगर आपने किसी सप्लायर की 45 दिन में पेमेंट नहीं करी तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है, उस जितना बिल की अमाउंट है वो आपके प्रॉफिट में जोड़ दी जाएगी। जब आप पेमेंट करोगे एक साल के बाद उसका रिफ़ंड लेंगे, तो आपको ये पता ही है कि ये रिफ़ंड लेना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमारा दूसरा एम ये है कि हम एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर्स की कितनी मदद करेंगे, ये एक्सपोर्टर्स को ही पता है कि GST के बहुत मुद्दे हैं, रिफ़ंड के मुद्दे हैं, GST रिफ़ंड नहीं मिल रहा टाइम से, तो हम उनको भी कायदे कानून के हिसाब से रिफ़ंड दिलवाने की बात करेंगे।
कहीं किसी एक्सपोर्टर को कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसके साथ खड़े हैं। आपके दोनों कैंडिडेट चुनाव मैदान में इस बार आ जाएंगे जी, अपने नाम फाइनल। साहब उम्मीदें तो हमारी बहुत हैं, हम इस बार बहुत करारी टक्कर देंगे और हमारे दोनों मेंबर जो है वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि हमने इंडस्ट्री को काम करके दिखाया है। अभी ये जो मैंने सेक्शन आपको बताया है इसकी हमने PIL सुप्रीम कोर्ट में डाल दी है और उसका मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमें हमारी वो PIL एक्सेप्ट हो जाएगी। उससे सारी इंडस्ट्री, खाली मुरादाबाद को ही फ़ायदा नहीं होगा, पूरे इंडिया को फ़ायदा होगा उससे, इंडिया के एक्सपोर्टर्स को। हमारा कहना ये है कि एक्सपोर्टर्स के ऊपर ये एप्लीकेबल मत करो, क्योंकि हमारा सारा काम उधार का है, हमें 120 दिन के उधार पे माल बेचना है और 3 महीने लगते हैं माल तैयार होने में, 45 दिन की ट्रांजिट टाइम है, तो बायर उस दिन से लगाता है जब उसे माल वहाँ पहुँच जाता है, उसके बाद तो साल में एक ही ट्रांजेक्शन होती है। तो ये सरकार को इस बात का इल्म नहीं है, हमने इसीलिए ये PIL डाली है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।